हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों सुबह मिलई में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको किसी रॉ मटेरियल के बारे में नहीं बल्कि कई टाइप का आपको बीएमएस के बारे में बताऊंगा दोस्तों ठीक है तो आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों ठीक है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं तो प्राय हर एक वीडियो में जो है दोस्तों रेट बता ही देता हूँ मेरे पास कोई भी जो है हिडन प्राइज़ नहीं है मेरा सब कुछ जो है ओपन प्राइज है दोस्तों वीडियो में ही सब कुछ मैं बता देता हूँ फिर भी कोई भाई लोग वीडियो अपलोड करते ही दो मिनट भी नहीं होगा फ़ोन कर देंगे सर इसका प्राइस क्या है तो जब हम वीडियो में प्राइस बता देते हैं फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे जो पाँच मिनट का वीडियो नहीं देखेगा उसको पेशेंस नहीं है तो व्यापार क्या करेगा तो एक व्यापारी नहीं हो सकता दूसरा बात है दोस्तों कई लोग फ़ोन करते हैं सर बीस पीस या डीओ भी मिलेगा क्या ठीक है मैं तो बोल देता हूँ आ दे दूँगा फिर उसमें बोलते हैं सीओडी होगा क्या अब बताइए दोस्तों किसी को बीस पीस सीओडी में चाहिए वो भी बल्क प्राइज में क्या ये संभव है दोस्तों मैं आज वीडियो एक सुबह में डाला था हो सकता है वीडियो आज अपलोड ना हो के कल हो तो एक दिन पहले का ही बात है दोस्तों वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो टाइम पास करते हैं तो बहुत भाई लोग को ख़राब लगा हमें मैसेज किए तो दोस्तों ये बताइए आप दस पीस बीस पीस लेंगे उसमें पूछेंगे सीओडी है क्या है ये क्या कौन देता है अगर कोई देता है तो मुझे ही दिला दीजिए ठीक है दोस्तों दोस्तों मैं नहीं चाहता कि, कि किसी के साथ फ्रॉड हो मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं आप लोग के लिए बनाना चाहता हूँ दोस्तों और एक बात जो है दोस्तों आप कान खोल के सुन लीजिए कि जो अच्छा व्यापारी होगा सही व्यापारी होगा या सही मैनुफैक्चर होगा वो कभी भी सी में व्यापार नहीं करेगा दोस्तों सी में कोरियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है सी में कौन व्यापार करता है जिसका सेल नहीं होता है और इसमें फंसता है कौन आप जैसे लालची लोग और बाद में बोलेंगे हमारे साथ फ़्रॉड हो गया दोस्तों दोस्तों आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ वो सिर्फ गामा डीओ भी हो या कोई भी एम हो उसके साथ अगर बड्डी और ये सब मांगेंगे तो वो नहीं होगा वो तो फिर आपको दो सौ पीस का क्वान्टिटी लेना पड़ेगा लेकिन सिर्फ आपको डी ओ भी डी ओ भी चाहिए तो आप एक बोलेंगे एक भी मैं दे दूंगा ठीक है लेकिन फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे प्राइस क्या है क्योंकि प्राइस सब कुछ हमारे कैटलॉग में है दोस्तों आप लोग हाई कर देते हैं ठीक है फिर मैं कैटलॉग भेज देता हूँ उसके बाद दो घंटा बाद किसी चीज़ के बारे में आप मैसेज करेंगे इसका प्राइस क्या है दोस्तों तब तक तो हमारे पास ऑलरेडी पचास टो मैसेज आ जाता है अब वो आपका कहाँ पे चला गया कौन है हमें पता ही नहीं चलता तो इसका सबसे अगर सटीक आपको आंसर जानना चाहते हैं जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कभी भी जो हाई लिख के मैसेज करते हैं ना तो उसके नीचे अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख दीजिए उससे क्या होगा कि हमारे ध्यान में ये रहेगा ठीक है दोस्तों और वीडियो में तो मैं प्राइस बताता ही हूँ क्विंटिटी सब कुछ बताता हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत भाई लोग बोलते हैं आपका लोकेशन क्या है अरे भैया संभलपुर उड़ीसा है हमारा और दिल्ली में है मोती नगर और आपको कौन सा लोकेशन क्या चाहिए आप लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए लोकेशन भेज दो आज तक मैं पचासों को लोकेशन भेजता भेजा भेज भेड़ चुका हूँ लेकिन एक भी आदमी उस लोकेशन पे नहीं पहुँचा तो बताइए किसके पास ये सब टाइम है करने के लिए अरे मैं तो वीडियो आप ही लोग के लिए बनाता हूँ आप लोग खुद नहीं चाहते कि आपको अगर सही से कोई मार्गदर्शन कर रहा है तो वीडियो देखें आप लोग जाके वो चक्कर में फंसेंगे सीओडी के फ्रॉडों के चक्कर में फिर लास्ट में थके हारे मेरे पास आएंगे ठीक है तो इस सब चीज़ों पे आप जो है दोस्तों ध्यान रखिए कोई भाई लोग आज फ़ोन करेगा कैटलॉग मंगा लेगा वो इस्टीमेट भी ले लेगा आप दो महीने बाद बोलेगा हमने सर ऑर्डर दिया था ये हमको चाहिए तब तक तो हमें याद भी नहीं रहता और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम किसी का भी नंबर सेव ही नहीं करते जब तक कि हमारे यहाँ से लेन देन शुरू ना हो तब तक मैं ध्यान ही नहीं रहता है कि ये किसका नंबर है कहाँ से आया तो इसलिए चाहते हैं कि अगर आपको बातों को ध्यान से सुना जाए तो जो है दोस्तों आप अपना हाय लिखने के साथ साथ नाम और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखें तो मुझे ध्यान रहेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इस बी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों ये देख लीजिए आप अच्छा से देख लीजिए ठीक है ये देख लीजिए अच्छा से देख लीजिए तो दोस्तों ये जो बी है ये सिंगल बैटरी में जो आप ए डीसी बनाते हैं आप बहुत भाई लोग बोल देंगे सर ए डीसी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो बनाई तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है तो ये जो बी है दोस्तों इसमें से एक पीस ऐसे निकाल के अगर चलिए मैं आपको एक पीस निकाल के अभी आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ दोस्तों और भी है इधर ठीक है मैं एक पीस आपके लिए जो है दोस्तों पीस आपके लिए टूट भी नहीं रहा दोस्तों ठीक है काटना पड़ेगा दोस्तों मैं एक पीस काट कट करके मैं आपको बता रहा है दोस्तों रहा। ठीक है तो ये जो है दोस्तों आप देख लीजिए ये बी एम एस है ठीक है दोस्तों आपको सही से लाइट में दिखाई दे रहा है कि नहीं ये देखिए ये बी एम एस है ये देखिए क्योंकि तो मेरा काम है आपको किसी तरह से अच्छे से दिखाना बाकी वो यूट्यूब चैनल वालों के तरह नहीं दूर से दिखा दिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ठीक है ये देख लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा कैमरा को जूम करके आपको दिखाने के लिए ठीक है तो ये देखिए दोस्तों मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो लाइट में थोड़ा ये चमक आ रहा है ठीक है तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले जो है ये देखिए एक साइड आपका नेगेटिव पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो गौर से तो इस टाइप से जो है दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं ये जो ए सी डी सी बैटरी में लगता है कनेक्टर इसमें जो दो वायर लगता है वो दोनों वायर जो है दोस्तों यहाँ नेगेटिव के जगह नेगेटिव पॉजिटिव के जगह पॉजिटिव सोल्ड हो जाएगा और सोल्ड करने के बाद जो है दोस्तों ये देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आप इसमें ऐसे इसको यहाँ पे जो है दोस्तों सोल्ड कर देंगे ठीक है सोल्ड करने के बाद क्या होगा दोस्तों चाहे आप लोग इस तरह से ये और यहाँ पे जो है दोस्तों मैं एक पीस आपको ये करके निकल नहीं रहा है ये देखिए मैं इसमें अभी और कोई सोल्डिंग करके आपको दिखाने वाला नहीं हूँ आपको बताया ये दोनों यहाँ से सोल्ड होकर निकलेगा ठीक है और ये जो है आपका सर्किट में चला जाएगा तो इसका बीएमएस बोलते हैं इसको बीएमएस बोलते हैं तब बी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है उससे आपका वोल्टेज कितना भी आ जाए वो बैटरी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जितना भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाए दोस्तों इसमें ऐसी लगा उसके अंदर ही रहेगा बैटरी को उतना ही वोल्टेज देगा और जितना उसको चाहिए ठीक है तो बैटरी का जो लाइफ है दोस्तों वो बहुत इंक्रीज हो जाता है दोस्तों तो ये तो हो गया दोस्तों सिंगल टाइप बी एम एस ए सिंगल टाइप बैटरी के लिए बी एम एस और ये कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भी आप यूज कर सकते हैं टॉर्च हो रिचार्जेबल बॉल हो फैन हो कहीं भी तो आप इस टाइप से बी एम एस लगा सकते हैं दोस्तों और उसका लाइफ जो है इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर उसमें इस टाइप का कनेक्टर नहीं लगा हो जिस टाइप का लग, भी लगा हो तो आप यहाँ से दोनों जो है दोस्तों वायर यहाँ से सोल्डरिंग करके नेगेटिव पॉजिटिव में बाहर कर सकते हैं और ये जो दोनों सिरा है दोस्तों ये बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से सोल्डरिंग होगा यहाँ पे ठीक है दोस्तों तो इससे बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा दोस्तों आपने आजकल देखे होंगे मार्केट में चाहे कोई भी ब्रांड हो वो रिचार्जेबल बल्ब दो घंटा से ज़्यादा नहीं जलता है ठीक है तो वो लोग बी नहीं देते हैं इसी कारण होता है बी एम एस लगने से बैटरी का लाइफ जो है वो जो है दोस्तों नाइन्टी नाइन परसेंट सेव हो जाता है दोस्तों और भी अगर इसके ऊपर मैं विस्तार से बताऊँ तो तो रात भर भी बताने से भी ख़त्म नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो ये जो बी एम एस है दोस्तों अभी मैं आप मैं मंगाया हूँ अपने पास ये मैं ट्रायल के लिए मंगाया हूँ वीडियो देख के आप मुझे तुरंत आज रात में ही कि कल जब वीडियो अपलोड होगा मैसेज करेंगे मेरे को सौ पीस चाहिए पचास पीस नहीं पहले मैं इसको टेस्ट करूँगा दोस्तों और इसका क्वालिटी अगर सही लगा तो ये हमारे पास जो है दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता मैं कोई भी जो सामान हो दोस्तों कोई भी मटेरियल हो मैं मार्केट से जब लाता हूँ तो पहले उसे अपने पैरामीटर पर हर तरह से चेक करता हूँ जब वो मुझे सही लगता है तभी मैं अपने पास उसे ऐड करता हूँ बाकी वो जो मानुफेक्चर या होलसेलर के की तरह नहीं कि कहीं से आपसे ऑर्डर लेके और कहीं से कचरा माल उठा के दे दिए वो मेरा काम नहीं है अब तक जितने भी भाई मेरे से जुड़ चुके हैं जो माल ले, ले चुके हैं उनको मालूम होगा वो कमेंट भी करते हैं कि मेरा मटेरियल क्या है क्या नहीं ठीक है दोस्तों और दोस्तों एक बात फिर से अभी मैं बता देता हूं कि मैं अभी आज के बाद कोई सी मेरे पास नहीं है सी वाले कृपया करके मेरे पास फ़ोन ना करें उनको जहां सी मिल रहा है वहीं से ले हमें खुशी है हमें किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं है उनको जहां से अच्छा मिल रहा है वहीं से ले हम वीडियो बनाते ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमसे मान लें हम वीडियो ले। बनाते हैं आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ठीक है दोस्तों तो ये तो आपने देख लिया दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा अब बात करते हैं इसका प्राइस दोस्तों तो देखिए दोस्तों अभी हम इसका जो है वो क्वालिटी टेस्टिंग में है अगर ये अच्छा से हमें पास हो गया तो आपको अभी तो मैं बता नहीं सकता लेकिन बीस रुपया के अंदर ही आपको ये मिलेगा दोस्तों लेकिन इसको लगा देंगे तो एसीडीसी में आपका रिप्लेसमेंट जो है दोस्तों वो जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा मान लीजिए आपका रिप्लेसमेंट ए में फिफ्टी परसेंट आता हो दोस्तों तो टेन परसेंट हो जाएगा फोर्टी परसेंट रिप्लेसमेंट जो है दोस्तों आपका बंद हो जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया दोस्तों सिंगल बैटरी के लिए जो इस टाइप का लिथियम आयन बैटरी लगता है उसके लिए ठीक है चाहे बैटरी कितने भी एम का हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों ठीक है ये हो गया अब जो है दोस्तों अगर आपके पास डबल बैटरी है तो उसके लिए ये बी एम एस ये भी लिथियम आयन का है अगर आपको डबल बैटरी के ऊपर बी एम एस लगाना है दोस्तों तो आप इस टाइप का जो है दोस्तों ये भी बी एम एस हमारे पास उपलब्ध रहता है ठीक है दोस्तों तो ये जो है दोस्तों ये एल ई डी बल्ब वाले को नहीं समझ में आएगा जो भाई लोग इसका उपयोग करते हैं उनको पता होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ये इल ई डी रॉ मटेरियल वाले को ये समझ से पड़े ये लिथियम फास्फोरेट है दोस्तों और इसका भी बी एम एस आता है ठीक है तो इस टाइप का भी बी एम एस हमारे पास मिलता है दोस्तों ठीक है तो आपको ये वाला भी अगर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं देखिए दोस्तों मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपके सामने ओपन करके रख दिया ठीक है इस सब का रेट मैं नहीं बताया रेट जो है आपको तो सिर्फ जो है दोस्तों रिचार्जेबल बल्ब के लिए चाहिए तो मैं बता ही दिया हूँ कि पंद्रह से बीस रुपये के अंदर में आपको मिलेगा लेकिन अभी ये चूँकि टेस्टिंग में चल रहा है टेस्ट में अगर पास हो गया तो बहुत जल्दी ये हमारे पास भी अवेलेबल रहेगा और आप ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों ठीक है और मैं फिर से एक बार करना चाहता हूं दोस्तों अब हमारे पास कोई सीओडी नहीं है कृपया सीओडी वाले हमारे पास फोन ना करें ठीक है और अगर उनको कहीं से भी सीओडी मिल रहा है वो वहां से ले हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों और दोस्तों कई भाई लोग का आदत है ये है वो है तो दोस्तों हमारे पास जो हमारे कैटलॉग में ऐड है हमारे पास वही मिलता है हाँ अगर आपको कुछ अलग से चाहिए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं सर ये चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे लोगों का आदत है पहले वो कैटलॉग देखेंगे फिर बोलेंगे इसका प्राइस क्या बता देंगे फिर थोड़ा देर के बाद बोलेंगे इसका बॉक्स का प्राइस क्या तो भाई लो, लोग कैटलॉग में तो सब कुछ है जब कुछ समझ में ना आए तब तो मैं आपके लिए बैठा ही हूँ भाई मेरे आपका भाई तो यहाँ बैठा है आपको बताने के लिए तब आप हमसे फ़ोन करें बात करें और जो चीज़ कैटलॉग है उसी के बारे में आप पूछेंगे तो हमें भी ख़राब लगता है दोस्तों हमारा भी टाइम व्यर्थ होता है आपका भी टाइम व्यर्थ होता है ठीक है तो जब कुछ नहीं समझ में आए तब हमें कॉल करें हम आपको अच्छा से समझाएंगे ऐसा नहीं है कि आप माल हमसे लेते हैं तभी आपको समझाएंगे कोई माल हमसे ना ले किसी भी तरह का ईल ई से संबंधित जानकारी हो वो बेधरक हमें कॉल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और कृपया दोस्तों सी वाले हमें कॉल ना करे दोस्तों और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों ठीक है अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो जो नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे पुराने व्यूअर हो वो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों अब नेक्स्ट जो है दोस्तों मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाऊंगा आज तक तो आप ही लोग के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट मैं बता नहीं सकता क्या चीज़ पर वीडियो आएगा दोस्तों तब तक आप लोगों से मैं यही कहूँगा आप लोग खुश रहें आबाद रहें मस्त रहे दोस्तों और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों